आज आप लोगों के साथ हम ना सुबह सुबह जो छुट्टी वाला दिन है उसकी रूटीन शेयर करते हैं। ये मैंने यहाँ पे कबाब बनाया, तल लिया है, ये मेरे पराठे बन गए हैं यहाँ पे। ये क्या है? क्या नाम है? कांटा। ये कहाँ से मिला? यहाँ मेरी जो चाय है ये मैंने बनाई थी, फिर पराठे वगैरह बनाए, ये गर्म करने के लिए रखी हुई है। तो यहाँ पे जनाब साथ साथ हमने मशीन लगा ली है, कपड़े धो रहे हैं और अभी नाश्ता तैयार हो गया, साथ साथ नाश्ता भी कर लगा। दस्तरखान लेके गए हो? बिस्तर उठाओ, नाश्ता लगाओ। दस्तरखान की तरफ गोल्डन सिल्वर दोनों के कहाँ से मिले हैं तुम्हें? ये किसी का ना लेना। अच्छा, तुम्हें फिर मार पड़ेगी। जनाब अब्रिशम उठ गई। अब्रिशम इधर देखो, गुड मॉर्निंग बोलो अपने दोस्तों को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। हम भी ठीक है, अब्रिशम भी ठीक है। जनाब जा रहे हैं, खुश रहें, खुशियाँ बांटे और खुशियाँ समेटे। देखो इधर अब्रिशम, अब्रिशम का मुँह दिलाओ ले जाकर। ये इधर देखो, अच्छा आगे से हटो ना तुम। ये छोटा सा जो फर्श दिखता है ना, और ये हमारा कूलर है, और ये अब्रिशम जो है ना इस फर्श के ऊपर आके लेट जाती है, इसको बहुत गर्मी लगती है। चलो मुंह धो लो, नाश्ता करते हैं। अब्रिशम मुंह धो, नाश्ता करें। कुकी मैंने ना कटिंग कर रही हूँ कपड़े, आज थोड़ा मौसम अच्छा है तो मैंने कहा थोड़े कपड़े कटिंग करके रख लूँ, फिर जो है ना सिलाई करूँ। कटिंग करके एक बार रख दूँ और फिर सिलाई करूँ। ये जो है ना कटिंग थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि पंखा बंद करके होती है, गर्मी में होती नहीं है कटिंग ना। ये यहाँ से ना मैं निशान लगा लेती हूँ पहले, और आज कल लंबी का फैशन चल गया है, ये थोड़े लंबे में करके मतलब लंबी रखी है मैंने कमीज। अब्रिशम जल्दी कर। अब्रिशम ये क्या हो रहा है? ये देखे भाई, अब्रिशम को इतनी गर्मी लगी है टॉप में, पानी पे ये देखो कारपेट धो रहे, और इसको ना मजा आ रहा है। अब्रिशम ना रही हो? अंदर पानी के अंदर ज्यादा ना करना, छोड़ दो ना जन्नत। ये देखे बादल, बारिश आ जाए तो अच्छा है, बहुत गर्मी हो गई, रात को बहुत गर्मी थी। अब्रिशम कुकी क्या कर रही है? अब्रिशम इधर देखो, पानी डाल इसके ऊपर। सर पे डालो, सर पे। मजा आ रहा है अब्रिशम? अतिया शैम्पू लेकर आओ, अब्रिशम के बालों में लगा। अतिया शैम्पू लाओ। क्या कह रही हो? छोड़ो, सबा खुद निकालेगी, सबा खुद निकालेगी, छोड़ दो। ये लो शैम्पू, सबा खुद निलाएगी, छोड़ दो उसको जन्नत, छोड़ दो प्लीज उसको, सबा खुद निलाएगी। कालीन धोने दो ना, फिर वो खुद निला लेगी उसको, छोड़ दो, तुम्हारे से नहीं होगा, छोड़ दो। पानी टूटी बांध, अतिया टूटी बांध कराओ। अतिया एक मोटा हाथी, टूटी बांध करो, टूटी बांध करो। अतिया दूसरी साइड से, अगर वो टेलरों के पास तो वो घुमाने वाली कोई चीज होती है, वो अगर नहीं है तो आप कैंची से ऐसे करो जैसे मैंने अभी किया, और फिर इसको ना ये अब्रिशम को देखना, एक अब्रिशम के पीछे ना चीखे लगा लगा के बंदा थक जाता है। तो ये दोनों, ये देखे, ये आप लोग नजर आ रहे हैं, ये डॉट सारे लग गए, और उसके ऊपर फिर ना यूं चौक का निशान, ये जितने डॉट्स लगे ये देखे, मतलब कैंची से आप लगाओगे जैसे ये लिया, और ये देखो ये यूं यूं, और ये सारे डॉट्स के ऊपर आप चाक को ना फेर दें इस तरीके से,
ये देखें, ये साइड हो गई, और ये देखो जब कैंची से आप यूं करेंगे ना तो ये पूरी ऐसे दूसरी साइड पे निशान लग जाएगा। आप जब फिर चाक से ऐसे कर लेंगे तो ये इक्वल दोनों साइडों पे एक जैसा फिटिंग का निशान आएगा और आप लोगों के लिए कोई मसला भी नहीं होगा। ये जनाब देख सकते हैं आप ना, कीमे वाली जो मैं लेकर आई हूँ ना, इसमें ना कीमा बड़े मज़े का बनता है चिकन का। ये चिकन नगेट के लिए बनाते हैं, और जो कीमे की मशीनें होती हैं ना इतनी गंदी होती हैं, मक्खियाँ ऊपर बैठती हैं और पता नहीं कब की गंदी रखी होती हैं उसमें से। लाओ कीमा बनवा के फिर उसको वो करो, क्या नाम है, धो, और उससे सही वो फिर मज़ा नहीं आता। इसको धो के और मतलब छोटे छोटे पीस करके इसमें डाल दो, इतने मज़े का कीमा बनता है। आप लोगों को मैं अभी दिखाऊँगी पूरा बन जाए। अभी मैंने वीडियो बनाई तो एक तो कैमरे में बंदा पूरा आना पूरा आ जाता है, फिर कट करना पड़ता है। है मेरा बेबी किधर है, ये तक्को जी मेरा बेबी। अबरीशा कुकी कहाँ जा रही है? अबरीशम ने बाहर आप लोगों ने देखा होगा टप में नहा के फ्रेश होके अब आ गई। अब किसी किसी का मोबाइल, और मैं यहाँ पे कटिंग कर रही थी और फिर मैंने जो है ना और काम में लगी, कटिंग मेरी वहीं पड़ी हुई है। तो जन्नत किधर है? अतिया जन्नत कहाँ है? इधर आओ इधर आओ। ये देखे भाई जन्नत भी फ्रेश हुई, इन्होंने दोनों ने टब में बैठ के नहा के सही फ्रेश हो गया। हाँ जन्नत, अबरीशम को आज जन्नत ने नहलाया है, तुमने नहलाया है ना? सच बताना, तुम झूठ नहीं बोलती होती। पानी से नहलाया था, और बाकी जो है ना शैम्पू वगैरह फिर सबा ने किया। कुकी ये क्या कर रही है? ये देखें आज चार्जरों का और मोबाइलों के पीछे हो गई। अबरीशम नीचे अड़े खानी, देखें कितने मज़े का कीमा बना है, सॉफ्ट सा बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं। और ये मशीन जो है ना बहुत अच्छी है, और ये वो दूसरी धागे वाली जो निकली थी वो डोरी वाली वो ख़राब, वो टूट जाती है। एक और थी वो भी मैंने लाई थी, वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, उसमें भी इतनी मज़े की चीज़ें नहीं होती थी जितनी इसमें होती हैं। ये इसके अब नगेट्स बना के रखेंगे और फिर चाय के साथ इंजॉय करेंगे। वैसे भी बच्चे शाम को आते हैं चाय पीते हैं तो साथ में कुछ शामी कबाब हो गए, नगेट्स हो गए, ये तल के खाते, क्योंकि जो कैन एंस के होते हैं वो हम नहीं पूरे कर सकते भाई, हमें हमें ज़्यादा चीज़ चाहिए, हम घर में बना के रखते हैं। क्या बनाया? वाह भाई अबरीश जन्नत ने आर्ट्स बनाया, आर्ट। अच्छा क्या आतिया उनको बोलना जो क्रम्स है ना, अगर आपके पास और फ्रेश नहीं आए तो फिर पैसे वापस दे दें, मैं और ले आऊँ। क्योंकि हमें वो जिस दुकान से मैंने लिया था ना, मैंने उनको, हाँ उनको बोला मेरी मम्मा आपको देकर गई थी और आप कह रहे थे कि मैं आपको फ्रेश मंगवा के दूंगा, उसके ऊपर डेट नहीं थी। ठीक है जाके ले आओ भाई। अबरीशम को ना गर्मी लग गई है, क्या खा रही है? ठंडा ठंडा गोला गोला खा रही है। हाँ गोले वाला आया तो इन्होंने कहा मैं गोला खाना है। ये देखे जन्नत का मज़े का, मेरा नहीं लाया, मेरा नहीं लाया। मेरा क्यों नहीं लाया? रुमान को बोला जल्दी से लाओ मुझे भी खाना, आज का तो ज्यादा मजे का है। तो तीन कलर नहीं डाले जाते क्यों? ये देखे भाई मेरा वाला गोला, मुझे तो इसने पूरा, तूने मेरा गोला खाया था ना और 10 रुपए का इतना गंदा सा ला के दिया था कलर। ये देखो 20 रुपीज का, मैंने तो बोला नहीं था गोला लाने का। चल, चल। और जाओ एक चम्मच अतिया के लिए भी वो मंगा, चला तो नहीं गया गोले वाला। तो जनाब यहाँ पे मेरा ना ट्राउज़र काट के तैयार हो चुका है, क्योंकि एक ट्राउज़र काटने के लिए ना मैं बाकी कटिंग का ली, ट्राउज़र एक बचा हुआ था बस, मैंने काम में लगी हुई, कभी कौन सा काम कभी कौन सा पड़ा रहा था। क्या आई है खाओ। तो फिर मैंने कहा कि चलो ये आखिरी आप लोगों को दिखा दो, ये कटिंग हो गई मेरी मुकम्मल, और इसके बाद जो जो आपके साथ रूटीन होगी वो मैं शेयर कर। अच्छा मैंने नहीं, तुम छोड़ो जा कुची लेकर आओ, तुम नहीं कर सकती। मैंने अतिया को आवाज़ें लगा लगा के वो कहीं नीचे गई हुई है, बाकी घर की सफाई हो गई सारी, और इस ये कमरा रहता था इसमें मैं कटिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे पंखा बंद करके कटिंग करनी होती है। तो अभी मैंने मोटे मोटी कतरें जो थी वो मैंने उठा के टोकरी में फेंक दी थी, अब छोटी मोटी मैंने कहा कि अतिया को बोला कि सफाई कर दो, और अतिया है नहीं। अब मैं ईमान से कहती, ईमान का मूड बना हुआ देखो, कहती है मैं क्यों करूँ। जन्नत
ये मोटी मोटी ये जो उठा के ना ये कचरे में डालो और फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ, छोड़ो। अब इनको किसको, मैंने तो किसी को गाली नहीं दी। क्या झूठ बोला, क्या गाली नहीं दी मैंने इसको, तो मैंने तुम्हें कहा था अभी ना तुमने पहननी थी ना, मुझे पहले सिलाई करने देती। इसने फटी हुई और कपड़े नहीं है कि तुम लोग फटे हुए कपड़े पहन दो। ये देखो वो पूरा डब्बा उठा के लिया, ये ले जाके रखो ना किचन में, इसको माइक्रोवेव में गर्म करके देगी। सब आप ही को नमाज पढ़ने वो गई, देखो अभी गई थी सारी की सारी। ये देखे नीचे इसको, इनके काम चेक करो। नीचे से उठा के डब्बे में नहीं डाला, डब्बे में नहीं डाला, उधर डालो। और मुंह में डाल रही हो, वाह भाई। हाँ बिस्मिल्लाह पढ़ के फूक मार के मुंह में डालने से किया पाक हो जाता। हाँ, इसे दोबारा अभी रखो ना, अभी रखो ना, सब नमाज पढ़ने दो। सब माइक्रोवेव में गर्म करके देगी, रखो ठंडी नहीं खाते। कितनी गंदी आदतें हैं तुम लोगों की, देखो तो सही। देखिए एक वाइट वाली हमारी ना फिश जो है ना मर गई है, इसके साथ की मर गई, पता नहीं गर्मी की वजह से मर गई या किस वजह से ना। तुम ऐसे पकड़ो कैमरा में इसको ऊपर कर, ये देखो ना ऊपर करें प्लीज यार, कुछ नहीं होता ना, दिखा ये देखें ये मर गई है। दिखाए मामा, ये मुझे सबसे प्यारी लगती है। ये मर गई है पता नहीं गर्मी की वजह से। हाँ ना बाकी फिश हमारी, ये और भी फिर सब मर जाएंगी। एक दो यहाँ पे मुझे लगता है इनको ऑक्सीजन नहीं सही से मिल रहा, बंद बंद है उस साइड पे हमारा होता था। ये देखिए ये जो सामने चल रही है ना इसके साथ की ये वाली, ये तो आगे कर जाता है। ये देखें इसको दफन कहाँ पे दफन करें इसको, उधर मिट्टी में करते तो अभी कोई चीज थी। क्या करूं इसका, कवा उठा के ले जाएगा ना ले जाएगा। क्यों वही चीज खाएगी, वो देखो कवे भी, वो देख कवे इंतजार कर रहे, ले जाओ कुछ खा ले इनके मुंह लग जाए। हटो छोड़ो ना, अब वीडियो बनाएगी जैसे कवे उठा के लेके जाएगी, मुझे पता जो है ना इसकी राखी खा रही है खड़ी होकर, कहती है इसको दफना दो दफना दो। किधर दफनाए इसको, अब नीचे कौन इसको लेकर जाए, इधर ना मिट्टी में नहीं दो, इधर कैरी में नहीं। मुझे शॉपर हाथों बना, मैं इसको ले जाती हूं। तुझे पे ना शॉपर के बगैर पकड़ के ले जाओ ना, इतना तुम्हें प्यार आ रहा। क्यों हाथ गंदा कैसे हो गया, अभी तुम्हें केयर कर रही है, वैसे तुम किसी को कवे को हाथ नहीं लगाने दे रही। अच्छा ले जाने दो ना कवे को, लेके जाने दो खाने। मम्मा कवे शवे को नहीं ना बेचारी की, आपको डस्टबिन में कैसे फेंके, स्मेल आएगी गर्मी है, कूड़े वाला कल नहीं आएगा। मानूर और जन्नत ना फिश को दफन करने के लिए लेकर गए वो नीचे, देखो यहाँ ही पे कर दो, इधर ही कर दो। इन्होंने ना जन्नत ने कवों को ना खाने दिया, कहा कि हम इसको ना यहाँ पे ना इसको जा के दफन करते हैं नीचे। वो देखो छोटा बच्चा ये नीचे जो है, इनकी भी दो फिशेस इसमें मैंने रखी हुई, वो अभी पूछ रहा है मर गई। इनकी नहीं मरी है, दो इसने लाकर छोटी छोटी डाली हुई थी बीच में केरियों, और फूल वूल डाल के आना। इसकी कब्र पे फूल वूल डाल के आना। क्या कह रही है आप, पूरी फातिहा खानी करके आएगी इसके ऊपर। आ जाओ ना, आप कोई नहीं खाता उसको निकाल के, आ जाओ ना जन्नत, छुपा रही हो, कोई नहीं उसको ढूंढ रहा उधर, दफन कर रहा है जी। किधर गई जनत, आ रही है जनत, क्या उसको सूंघ आई ना, पता है इसके अंदर ना वो ऑक्सीजन पंप नहीं लगा हुआ ना इसीलिए। अवैस क्या पूछ रहा था उसका, बोला तुम्हारी नहीं मरी ये, तुम्हारी ये छोटी वाली अवैस की है, ये वाली छोटी छोटी ये देखो हमारी कुकी किधर बैठी हुई है। कुकी क्या कर रही है, शैतानियों के काम वालों को ना ऐसे ऊपर बिठा दे। ये हमारे जो नगेट्स यहाँ पे बन रहे थे तो वह बना रही थी, और इसको ना ये नीचे हाथ मार के सारे तोड़ ताड़ देती है, इसलिए हमने ना इसको यहाँ पे सेटिंग कर दिया। अभी बैठी रहो, जब तक हमारा काम नहीं होगा आप यहाँ ही बैठी रहोगी, क्योंकि आप शरारती हो ना, इसलिए आप इधर ही बैठी रहो, नीचे नहीं
गिरना नहीं, आराम से बैठी रहो, नीचे होगी तो गिर जाओगी। तो जनाब ये दूसरा प्रोसेस शुरू हो गया, अंडा क्रम्स वगैरह लगा के इनको फिर फ्रीज करने का सीन आ जाता है। और यहाँ पे मैं तलने लगी हूँ कबाब, और ब्रेड मेरी अभी आएगी चाय, और ब्रेड के अंदर रख के ये खाएंगे, क्योंकि छुट्टी वाले दिन लेट नाश्ता करते, फिर दिन में खाना नहीं खाते। इस टाइम तकरीबन क्या टाइम हुआ है मानूरो, 4:30 का टाइम है, 4:30 हाँ 5 बजे का टाइम है, बस इस वक्त चाय पीते हैं। टरका दिया हमने नगेट्स, इनको नहीं दिया, हम किचन में हम थक गए थे दोनों, हम अपने लिए सिर्फ तल रहे हैं, और इनको हमने ये वाले दिए, ये जो ब्रेड है इसके अंदर ये कबाब और केचप वगैरह मेयोनीज लगा के इनको ये चाय के साथ बना के दिए। और ये हमारे आधे बने, आधे हम चाय पी के फिर बनाएंगे। और ये देखो हमारे नगेट्स फ्राई हो रहे हैं, सिर्फ मैं और सबा खाएंगे, किसको नहीं देने। हाँ अच्छा ला रहे हैं, तल के ला रहे हैं, रुको। सबा ना ऐसे कट करके खाते, ये पूरा बम्बार पड़ा हुआ है। वैसे किचन बड़ा गंदा होता, मेहनत भी बड़ी होती है, लेकिन चीज भी ज्यादा बन जाती है। चलो पड़ा हुआ है तो खा लेंगे। क्या अब्रिशम के लिए गर्म है ना, रुक जा देते कैसे फूक मारो, नीचे था। अच्छा ठीक है, तो मेहनत तो लगती है लेकिन काफ़ी सारे बन जाते हैं फिर हम चाय के साथ। इनकी छुट्टी वाले यही रूटीन है कि भाई ऐसे करना है कि बस यही कुछ खा लेना है। चलो बाकियों ने तो पी लिए, मैं और सबा अभी इंजॉय करते हैं। जिसने नगेट्स खाने हो तो कह देंगे तल के खाओ। को मैं काम बताती हूँ, ये पतीला उठाओ, आप लोगों ने चाय पी लिया ना तो हमारे लिए गर्म करके ले आओ, थैंक यू तुम्हारा बहुत बहुत। ये जो हमारा कूलर है एक, इसको आज धो धा के ये जो तैयार किया है ना, इसमें कल जाके कोई घास वास पता नहीं किया, साइडों पे जालियों में डलवाते हो, वो डलवा के फिर इसको थोड़ा सेट वट करके इसको रखेंगे, क्योंकि इसके टायर नीचे लगे, इसके टायर बड़े आसानी से घूमते हैं, और ये हल्का सा हर कमरे में घुमा के बंदा ले जाता है, कभी कोई आता है तो ज़रूरत पड़ सकती है। तकरीबन कोई 6:40 हो रहे हैं, 7 बजे का टाइम। एक गैरली हमारी इस साइड से, एक जो है हमारी ना बड़ी वाली इस साइड से। तो ये देखिए शाम का है मौसम कितना खूबसूरत है, ये देखिए बादल वगैरह आए हुए हैं। तो ये आज हमने जो काम वाम किए हैं, कारपेट वगैरह धोई है, तो ये आप लोग साथ मैंने कहा शेयर कर लें पूरी रूटीन आज पूरा दिन। देख सकते रात को मैंने दूध गर्म करके रखा, पहले वाला था हमने किया यूज़, और आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा मैं जो है ना मक्खन बनाती हूँ, मक्खन के लिए ये वाली मलाई है माशाल्लाह से, देखो ये देखें, ये देखें अच्छा। यूँ मैं इसको छान लेती हूँ मलाई को, और फिर मैं इसको ना थोड़ी थोड़ी मतलब जितनी रोज़ की निकलती है 3 किलो दूध से इतनी निकलती है, तो ये मैं फिर इसको ऐसे करती हूँ सारी, एक डब्बा मेरा और इकट्ठा हो गया। और फिर मैं इसको क्या करती हूँ कि फ्रीज़र में रख देती हूँ, जब ये ज़्यादा हो जाती है 1-2 बॉल्स हो जाते हैं, फिर उससे मैं मक्खन निकालती हूँ, फिर हम वो खा लेते हैं बच्चे वगैरह, कभी पराठे बना लेते। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, कमेंट्स करें, और जनाब सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करें, और हम आपको क्या बोले, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपकी सपोर्ट ना हमें बहुत ज़रूरी चाहिए। हाँ मानू रहती है कहती है सिंपति ले रही हूँ।